हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एसडीएस भी। आज मैं आप लोगों को क्लास यूकेजी का हिंदी कविता पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो हमारा कविता है वह है सब्जी खाओ। देखिए क्या है कविता, सब्जी खाओ। सब्जी जैसे कि हम जब सब्जी खाते हैं, हरे हमें अपने खाने सब्जियों के रूप में हरी सब्जियों का ही सेवन करना चाहिए। ठीक है, हरी सब्जियां खाने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है और यह हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाता है। ठीक है, तो जैसे हरी सब्जियों में लौकी है, पालक है, गोभी है, खीरा है, तुरई है, गोभी है और सरसों का साग है, ये सब क्या है, ये सब हमारी हरी सब्जियां हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा हरी सब्जियों का ही सेवन करना चाहिए। ठीक है, हरी सब्जियां खाने से हमारा शरीर क्या कैसा रहता है, स्वस्थ रहता है। तो आज मैं आप लोगों को आज हरी सब्जियों के आधार पर एक कविता बताऊंगी, तो आप लोग इस कविता को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए, नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों, जो खाना तुम खाते हो उनमें सब सब्जी भी खाओ, क्यों तुम नाक चढ़ाते हो। सुंदर स्वस्थ शरीर बनेगा, हो जाएगा तेज दिमाग, लौकी तोरी खीरा गोभी और खाओ सरसों का साग। ठीक है, जैसे कि कुछ प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो उन जो लेखक है, जो इस कविता का लेखक है, वह बच्चों को बता रहा है कि हमें कैसे सब्जी खाना चाहिए, तो हमें हरी सब्जियों का ही यूज करना चाहिए। तो कह रहा है कि नन्हे नन्हे प्यारे बच्चे, ठीक है, नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों, जो खाना तुम खाते हो उनमें सब सब्जी भी खाओ, क्यों तुम नाक चढ़ाते हो। सुंदर स्वस्थ शरीर बनेगा, हो जाएगा तेज दिमाग, लौकी तोरी खीरा गोभी और खाओ सरसों का साग। ठीक है, ठीक है, यह हमारा था कविता। आइए हम इसे एक्शन के साथ करते हैं। जैसे है, नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों, जो खाना तुम खाते हो तो उनमें सब सब्जी भी खाओ। नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों, जो खाना तुम खाते हो उनमें सब सब्जी भी खाओ, क्यों तुम नाक चढ़ाते हो। सुंदर स्वस्थ शरीर बनेगा, सुंदर स्वस्थ शरीर बनेगा, हो जाएगा तेज दिमाग, लौकी तोरी खीरा गोभी और खाओ सरसों का साग। एक बार फिर से हम करते हैं, नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों, जो खाना तुम खाते हो, जो खाना तुम खाते हो उनमें सब सब्जी भी खाओ, क्यों तुम नाक चढ़ाते हो। सुंदर स्वस्थ शरीर बनेगा, हो जाएगा तेज दिमाग, लौकी तोरी खीरा गोभी और खाओ सरसों का साग। तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये कविता एक्शन के साथ अच्छा लगा होगा। आप लोग भी एक्शन के साथ इस कविता को याद करेंगे। थैंक यू।